नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज में। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को एक और झटका लगा है। दरअसल नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्य पद से उनकी छुट्टी कर दी गई है। स्मृति ईरानी जब मानव संसाधन विकास मंत्री बनी थी तभी से नीति आयोग की सदस्य थी। उनका मंत्रालय बदल जाने के बावजूद भी नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्य का उनका पद बरकरार था। खबरों के मुताबिक स्मृति ईरानी की जगह प्रकाश जावड़ेकर को इस पद के लिए आमंत्रित किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि प्रकाश जावड़ेकर वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री भी थे। इसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह को नीति आयोग के पूर्व सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 17 जून को गवर्निंग काउंसिलिंग की मीटिंग करने वाले हैं। आपको बता दें कि बीते 15 मई को ही स्मृति ईरानी से सूचना प्रसारण मंत्रालय वापस ले लिया गया था। स्मृति अब सिर्फ कपड़ा मंत्रालय ही देख रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर सांसद निधि के दुरुपयोग का आरोप भी लगा है। ये गंभीर आरोप गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने लगाया था। कांग्रेस विधायक अमित चावड़ा ने अपने ट्वीट में लिखा, स्मृति ईरानी ने आनंद जिले के मागरोल गांव को मॉडल बनाने के लिए गोद लिया था और उन्होंने इसे भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का बेहतरीन मॉडल बनाने का काम किया है। अमित चावड़ा ने एक और ट्वीट में स्मृति ईरानी पर अपनी सांसद निधि के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। गुजरात से राज्यसभा सांसद स्मृति ईरानी पर चावड़ा ने आरोप लगाया, स्मृति ईरानी और उनके स्टाफ ने शारदा मजदूर कामदार सहकारी मंडली को ठेका देने के लिए अधिकारियों को मजबूर किया।